एटीएम कार्ड कॉपी करके छात्रों ने एक सैनिक के खाते से 13 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पीड़ित सैनिक ने इस संबंध में पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वहीं एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ने बताया कि नादौन से एटीएम से पैसे निकालने की शिकायत दर्ज हुई है, जिस पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। एटीएम कार्ड कॉपी करके छात्रों ने एक सैनिक के खाते से 13 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पीड़ित सैनिक ने इस संबंध में पुलिस थाना में भी शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। ज्वालामुखी क्षेत्र के अपर घलोर गांव के सेना में कार्यरत अजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दी है कि दिसंबर माह में नादौन के एक एटीएम पर उसकी पत्नी के एटीएम कार्ड के साथ किसी ने धोखाधड़ी की थी। इस कारण प्रतिदिन उसके खाते से 20-20 हजार रुपए निकलते रहे। इस दौरान सैनिक जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर था। वहां पर सिग्नल ना होने के कारण वे अपने फोन पर खाते से निकासी के संबंध में कोई भी मैसेज देख नहीं पाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब ड्यूटी के बाद कहीं सिग्नल होने पर अजय कुमार ने अपने फोन पर 13 लाख की राशि की निकासी के बारे में आए मैसेज पढ़े। उसके पैरों तले जमीन खिसक गयी। उसने इस संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस तथा संबंधित बैंक मामले की छानबीन में जुट गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि किसी ने इस कार्ड की धोखे से कोई कॉपी बना ली है, इस कारण कोई खाते से आराम से पैसे निकालता रहा। इस संबंध में हमीरपुर एसपी अरिजीत सिंह ने बताया कि नादौन से एटीएम से पैसे निकालने की शिकायत आई है, जिस पर शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी पत्नी द्वारा एटीएम का प्रयोग किया जा रहा था। इसी दौरान एटीएम में मौजूद कुछ लड़कों ने डिवाइस का प्रयोग कर उसके खातों से करीब 14 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जिस पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हमारे यहाँ पे एक शिकायत आई है जिसमें हमने एफआईआर रजिस्टर की है, जिसमें कंप्लेनेंट का कहना है कि उनकी वाइफ जब उनका एटीएम यूज़ करने नादौन के किसी एसबीआई बैंक के एटीएम में गई, तो वहाँ पे कुछ लड़कों ने उनके साथ धोखाधड़ी करके स्कीमिंग डिवाइस या कोई इस तरह का कोई वस्तु यूज़ करके उस अकाउंट से 14 लाख रुपये के आसपास जो है पैसा निकाल लिया है। इसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर की है और इनमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे पास जो नेसेसरी डिटेल्स थी वो हम बैंक से भी ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें हम कम से कम उन लड़कों को जरूर पकड़ने में कामयाब होंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।